हेलो गाइस, दिस इज़ अवर नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वी ऑल नो कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीनिंग। इन प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कस अबाउट दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हम इसका मीनिंग देखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज related to cost operations, productions and other business expenses and provide the management with the information of business profitability. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें हमने देखना होता है कि हमारा कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, कितनी लेबर यूज़ हो रही है, उसके कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इसमें हम ये सब सारी चीज़ें देख लेते थे, हमने पीछे मीनिंग में समझा था। ये वही मीनिंग लिखा है, अगेन रिपीट किया है जो हमने पीछे किया था। इसमें हम अपने प्रोडक्शन देखते हैं, अदर बिजनेस के एक्सपेंसेस देखते हैं, मैनेजमेंट को बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट प्रोवाइड होता है। हमें मैनेजमेंट को ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं कि हमें एक प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, उसके ऊपर उन्होंने कितना प्रॉफिट मार्जिन, उसी अकॉर्डिंग फिर वो सेट करते हैं ना, जिससे उनके सारे खर्चे भी निकल जाएं और एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी निकल जाएं। द नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट इज़ रिलेटेड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स एज पर डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है कि सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, जस्ट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट होता है, इसमें हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि हमारा कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, कितने एक्सपेंसेस हैं। इसमें ओनली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट होता है। जैसे हम बनाते हैं ना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें बना के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, जिससे हमें सिर्फ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन टाइप। इंफॉर्मेशन कौन से टाइप की होती है, इसमें किससे रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, मतलब एक्सपेंसेस। रिलेटेड टू ये मटेरियल होती है, लेबर होती है और उसके एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है। और जो ये रिलेटेड होती है ये सिर्फ मनी से रिलेटेड होती है। रिकॉर्ड इन्फो विच आर इन मनीटरी टर्म्स, इसमें हम सिर्फ अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखते हैं, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंशियल है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा मैनेडेटरी। मैनेडेटरी मतलब होता है कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है ये इन द आइज ऑफ लॉ, हमने लॉ की तरफ से देखना है कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉ की तरफ से अगर हम देखें तो इस पे ऊपर कोई जो है नहीं कि कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते। नो एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म इट इज़ मैनेडेटरी, उनके लिए ये अपनी मर्जी है मैन्युफैक्चरिंग की, उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, उनके उन्होंने करना ही करना है। ठीक है, और जो फाइनेंशियल में अकाउंटिंग है ये यस फॉर ऑल फर्म्स, इसको सब फर्म्स को करना ही पड़ता है, ये एक तरह से कंपलसरी होती है। ठीक है, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, इनकम मतलब रिपोर्टिंग करने का, ये कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी फाइल बना के कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं सारा डाटा। बट इनका जो एक पीरियड सेट होता है, अकाउंटिंग पीरियड हम सबको पता है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो होता है रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है तब इसको रिपोर्ट करना ही करना होता है। द नेक्स्ट पर्पस, रिड्यूसिंग द कंट्रोलिंग कॉस्ट, इसका पर्पस क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट है, जो वेस्टेज हो रही है उसको रिड्यूस करना। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि पूरा रिकॉर्ड रखना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का। इसका नेचर क्या होता है, कंसर्न विद बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट रिकॉर्ड। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो पास्ट और प्रेजेंट के रिकॉर्ड्स रखती है, देखते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, हमारा पास्ट में प्रोडक्ट इतने का पड़ा था, अब फ्यूचर में इतने का पड़ रहा है, तो हमें कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसर्न विद हिस्टोरिकल डाटा, इसका पिछले डाटा से कंसर्न होता है, क्योंकि ये साल के एंड में बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, पूरे साल का डाटा लेते हैं ना, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए पूरे साल का डाटा लेते हैं, कंसर्न विद हिस्टोरिकल डाटा। देन हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ अ सर्टेन ऑफ कॉस्ट टू कंट्रोल कॉस्ट एंड फॉर डिसीजन मेकिंग अबाउट। जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने पढ़ा था पीछे कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि इसका होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना और मैनेजमेंट को हेल्प करना जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर सके। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ये किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमारी पोजिशन कहाँ पे है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है,
हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और हमारी मार्केट में पोजीशन है क्या एक्चुअल में। और ये ना हम बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च करे जाएँ और मार्केट में हमारी पोजीशन ही डाउन है तो कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनल मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल, वो कौन कौन यूज़ करता है? इंटरनल लेवल मतलब मैनेजमेंट, मतलब कंपनी के अंदर के लोग अपने अपने लेवल पे उसको यूज़ करते हैं, कंपनी से वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती। अंडर द कंपनी डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट्स आर यूज दिस इंफॉर्मेशन। बट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज सबको यूज़ कर सब यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि सबके पास रिकॉर्ड जाने होते हैं, टैक्स वगैरह पे होने होते हैं, तो गवर्नमेंट्स के पास भी जाती है। फाइनेंशियल एनालिटिकल्स जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्रेडिटर्स हैं जो लेनदार हैं, सब मतलब इसमें देखते हैं। द नेक्स्ट फॉर्मेट, देयर आर नॉट एनी फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कोई फॉर्मेट सेट नहीं है, ये मतलब हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहे जैसे चाहे जिस मर्जी वे से बना सकते हैं। और अ सेट फॉर्मेट इज़ यूज फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए एक फॉर्मेट सेट किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। देन लास्ट पॉइंट है, टाइप ऑफ रिपोर्ट कैन जनरेट स्पेशल रिपोर्ट एंड एनालिसिस। इसमें हम स्पेशल रिपोर्ट मतलब कर सकते हैं, कैन जनरेट स्पेशल रिपोर्ट एंड एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो शीट, हमें ये सारी चीज़ें बनानी होती है। कौन कौन सी चीज़ें मतलब बनानी होती है, इसमें एक जनरल रिपोर्ट बनानी होती है और उसको एनालाइज करना होता है। बट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप ये डिफरेंस क्लियर है, एग्जाम में शॉर्ट में आ जाता है ये क्वेश्चन।